हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे क्रीमफिन ओरल इमल्शन के बारे में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे क्रीमफिन ओरल इमल्शन की फुल इंफॉर्मेशन, जैसे इंट्रोडक्शन, यूज, साइड इफेक्ट, प्रिकॉशन, डोज। यदि आपको क्रीमफिन ओरल इमल्शन पर फुल इंफॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक की बने रहे। यदि चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए। चलते हैं क्रीमफिन ओरल इमल्शन की ओर। गाइस, ये है क्रीमफिन। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ये देखा गया है जो क्रीमफिन है ये अबॉट के द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, यानी कि जो क्रीमफिन है ये एक ब्रांड नेम है किसका, अबॉट कंपनी का। जो इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट रहते हैं वो रहता है इसमें लिक्विड पैराफिन, और दूसरा एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये इमल्शन की फॉर्म में मार्केट के अंदर आता है, यानी कि ओरल इमल्शन रहता है। यदि आपको इमल्शन पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट कर बताइए, आपको इमल्शन के ऊपर डिटेल में वीडियो अपलोड की कर दी जाएगी। यह मार्केट के अंदर 225 ml की पैकेजिंग के अंदर आपको आसानी में मिल जाती है। जो इसमें लिक्विड पैराफिन होता है और जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है वो आपको जितनी भी हम mg बताए गए, जितनी भी डोज बताए गए, वो आपको हर एक 5 ml यानी कि 15 ml 15 ml के अंदर आपको आसानी से मिल जाएगी। जो लिक्विड पैराफिन है ये 3.75 यानी कि 3.75 ml आपको मिलेगा 15 ml के अंदर, यानी कि हर एक 15 ml के अंदर आपको लिक्विड पैराफिन इतने ml आपको मिल जाएगा। जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है ये आपको मिल जाएगा 11.25 यानी कि 11.25 ml आपको मिलेगा 15 ml के अंदर आपको ये मिल जाएगा। यानी कि इनकी स्ट्रेंथ ऐसे बनाकर इनका कॉम्बिनेशन बनाया गया है। ये यानी कि IP लिखा हुआ है। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया। जो लिक्विड पैराफिन है और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है इनकी फुल डिटेल आप जो इंडियन फार्माकोपिया है उसके अंदर आप पढ़ सकते हो। इसके बाद ये नीचे कुछ टर्म एंड कंडीशन लिखी हुई है, जैसे कि 12 साल तक के बच्चे को हाफ स्पून से एक स्पून देना है। ये हम आपको डोज आगे बताएं कि यदि आपको मोर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लीजिए। ये सब जो लिखा हुआ है टर्म एंड कंडीशन आपको वीडियो को पॉज कर आप ज़्यादा डिटेल ले सकते हैं। कॉमन जो जानकारी है वो हम आपको बता देते हैं, जैसे कि 30 डिग्री सेल्सियस के अंदर रखना है, बच्चों की पहुंच से दूर रखना है, यूज़ करने से पहले इसको शेक कर लेना है। यदि और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए और QR कोड को स्कैन कीजिए और फर्दर इन्फॉर्मेशन लीजिए। यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है शुगर फ्री, यानी कि शुगर फ्री होने की वजह से डायबिटिक पेशेंट भी इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बैच नंबर लिखा हुआ है, बैच नंबर के बाद लिखा हुआ है इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट 12/2023 में बनाई गई है, एक्सपायर होगी 11/25 में। और ये नीचे लिखा हुआ है 280 रुपये 86 पैसे की, 280 रुपये की आपको आसानी से ये मार्केट में मिल जाएगी। यानी कि ये 280 रुपये की आपको ये 225 ml की बोतल आपको मिलेगी। ये मार्केट के अंदर अबॉट कंपनी की आती है। ये देखिए लोगो लगा हुआ है, डॉक्टर की फर्स्ट पसंद है ये, और लैक्सेटिव की तरह ये काम करता है और मिक्स्ड फ्लेवर है। ये हमारे हाथ के अंदर जो ये फ्लेवर है, जो क्रीमफिन है ये मिक्स्ड फ्लेवर में है। मार्केट के अंदर और बहुत सारे फ्लेवर के अंदर आती है, आपको जो पसंद हो जो सही लगे वो आप ले सकते हो, या कोई भी डॉक्टर आपको जो जिस फ्लेवर में प्रिस्क्राइब कर रहा है वो आपको लीजिए, या जो उनसे भी आपको फ्लेवर अच्छा लगे सुटेबल लगे वो आप ले सकते हो। ये क्या होता है, लैक्सेटिव होता है। लैक्सेटिव का मतलब होता है जो फंसी हुई है और स्टूल जो सूख गया उसको निकालने में मदद करती है। जो क्रीमफिन होता है मार्केट में बहुत सारे फ्लेवर में मिल जाती है आपको। ये था इसका जनरल इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद देख लेते इसके यूजेज में ये देखा गया है ये ट्रीट करता है इंक्रीज वाटर ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर जमा हो जाता है
उसको निकालने में ये मदद करता है। ट्रीट करता है कॉन्स्टिपेशन को, यानी यदि कब्ज बन गया है उसको ट्रीट करती है, रिड्यूस करती है गैसेज, यानी कि यदि स्टोमच के अंदर या गट के अंदर ज़्यादा गैस बन जाती है उसके कारण क्या होता है, पेन होता है, एब्डोमिनल क्रैम्पिस होती है, उन सब को भी ये रिड्यूस कर देता है। गुड फॉर सॉफ्ट स्टूल, यानी कि जो हार्ड स्टूल हो गया उसको सॉफ्ट बनाने में, उसको सॉफ्ट बनाने में भी ये काफ़ी कारामद होती है, यानी कि यूज़ की जाती है। एक्ट करती है एज ए लैक्सेटिव, लैक्सेटिव की तरह यूज़ करती है, स्ट्रॉन्ग लैक्सेटिव होती है। ये सब इसके यूजेस है। यूजेस के बाद देख लेते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट। साइड इफ़ेक्ट में ये देखा गया है एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकते हैं, यानी कि रुक रुक कर दर्द होना, एकदम से अचानक दर्द हुआ। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, लगातार कंटिन्यूसली पेन बना रह सकता है। एनल इरीटेशन, जो जहाँ से पोटी निकलती है वहाँ पर कुछ इरीटेशन कोज हो सकती है, जैसे कि एलर्जी एलर्जी या कुछ वहाँ पर अनकम्फर्ट महसूस होना, एनल इरीटेशन उसको बोलते हैं। लूज़ मोशन, यानी कि आप ज़्यादा डोज ले लेते हो तो लूज़ मोशन भी आपको लग सकते हैं। उसके बाद देखते हैं नोज़िया और वोमिटिंग हो सकती है, ये इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट थे। साइड इफ़ेक्ट के बाद इसके देख लेते हैं डोज के बारे में। डोज में देखा गया यदि अडल्ट में देखा जाए, अडल्ट के अंदर हम 15 ml से लेकर 40 ml खाना खाने के बाद बेड टाइम, यानी कि शाम में सोते टाइम देते हैं। वो डॉक्टर क्या करते हैं, कितने बच्चे हार्ड स्टूल हो रहा है, कितने दिन से हो रहे हैं, कितने बच्चे का वेट है, वो सब देखने के बाद ही क्या करते हैं, इसकी डोज का निर्धारण और चयन किया जाता है। यानी कि 15 ml से 40 ml तक की लिया जा रहा है। यदि किसी को 15 ml में ही क्या हो रहा है, पोटी निकल जा रही है, तो 15 ml ही ले गए। यदि क्या होता है किसी किसी कभी कभी क्या होता है 15 ml लेने के बाद नहीं हो पाते हैं, पेट साफ नहीं हो पाता है, जिस बीमारी के लिए लेते हैं वो सही नहीं हो पाती, तो उसके बाद क्या होता है डोज बढ़ानी पड़ती है। या क्या होता है पहले से डोज बढ़ा दी जाती है, फिर उसके बाद क्या होता है बच्चे को जो भी पेशेंट ले रहा है उसको लूज़ मोशन लग जाते हैं, तो डोज घटानी भी पड़ जाती है। तो ये क्या होता है 15 से 40 ml खाना खाने के बाद बेड टाइम दी जाती है, और डॉक्टर क्या करता है अपने एतबार से डोज को घटा बढ़ा भी सकते हैं। चाइल्ड जिसकी उम्र 3 से 15 साल तक की है, उसमें क्या देखा गया, ये देखा गया कि 5 ml से लेकर 10 ml तक की दी जाती है। वही इस बात है सबके, डॉक्टर अपने एतबार से वेट और बच्चे के साइज और बच्चे को बीमारी के ऊपर डिपेंड करके ही इसकी डोज का निर्धारण करता है। यदि 3 साल से छोटा बच्चा है तो इसमें यूज़ नहीं करे, उसमें ये क्या होती है, ये क्रीमफिन ओरल इमल्शन अवॉइडेड होती है यदि 3 साल से छोटा बच्चा है। प्रीकॉशन देख लेते हैं, सावधानी हमको क्या क्या रखनी है। यदि किडनी पेशेंट है, किडनी पेशेंट के अंदर क्या होता है ये अवॉइडेड रहती है, क्योंकि इसमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, उसके कारण क्या हो सकता है किडनी वाले पेशेंट को परेशानी हो सकती है या होती है। प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर में क्या होता है, इनमें भी क्या होता है अवॉइडेड रहती है, जो अपने बच्चे को दूध पिला रही है या कोई प्रेग्नेंट लेडी है उसमें क्या होता है ये क्रीमफिन जो ओरल इमल्शन होता है ये अवॉइडेड रहते हैं। ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, यदि कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। इसी में क्रीमफिन प्लस के नाम से एक सिरप आती है, यदि आपको क्रीमफिन प्लस पर वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।